हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कोई कुकिंग का वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैं अपनी चिमनी को किस तरीके से साफ़ करती हूँ, वो भी बिना हाथ लगाए, बिना सर्फ या कुछ भी डाले बिना मैं इसको किस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो आइए मैं पहले आपको अपनी चिमनी दिखा देती हूँ कि वो कितनी ग्रीसी हो रखी है और बहुत ही ऑयल है। और इसको मैं, ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ऑयल इसमें लगा हुआ है। और इसको मैं बिना हाथ लगाए इसको साफ़ करूँगी। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी चिमनी को साफ़ करती हूँ, शायद आपको भी इससे कुछ टिप्स मिल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं चिमनी के फ़िल्टर निकालूँगी। और ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो रखा है। ये देखिए, ये कितना इसमें ऑयल लगा हुआ है। और अब ये दूसरा इसका फिल्टर, और इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। अभी इसमें लाइट कम है, मैं इसको बाद में दिखाऊंगी जब साफ़ करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक बाल्टी ली है जिसमें ये हमारे चिमनी के फिल्टर आ जाएं। और इसमें मैंने गर्म पानी डाला हुआ है और ये 2 चम्मच में कास्टिंग सोडा इसमें डालूंगी। और इसको बिल्कुल भी हाथ से टच नहीं करना है। और इसमें मैं अपने चिमनी के फिल्टर डाल दूंगी। इस तरह का बर्तन लें जिसमें आपके ये चिमनी के फिल्टर पूरी तरीके से डूब जाएं। तो मेरे ये अभी आधे ही डूबे हैं, इनको मैं दोबारा पलट के आधे घंटे बाद फिर से रख दूंगी। लेकिन इसको हाथ से नहीं टच करना है, इसको पॉलिथीन या किसी मोटे कपड़े से टच करके रखना है। और पानी थोड़ा सा अभी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर से और पानी डालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी थोड़ा पानी ऊपर तक और डाला है। और ये देखिए, धीरे धीरे ये गंदगी ऊपर आ रही है। तो इसको मैं 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर 30 मिनट के बाद मैं इसको एक बार पलट दूँगी, क्योंकि मेरी ये बकेट थोड़ी छोटी है तो इसमें पूरे फिल्टर डूब नहीं पाए हैं। और आप अगर कोई आपके पास बड़ा टब या इससे भी बड़ी बाल्टी हो जो ख़राब हो, उसमें आप करें जिसमें ये पूरे फिल्टर डूब जाएं। और आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ूंगी, फिर आधे घंटे के लिए फिर पलट के इसको छोड़ दूंगी। और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से इसका ये पूरी चिकनाई गायब होती है। और ये देखिए, गंदगी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। लेकिन इसको हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, और पॉलीथीन या किसी मोटे कपड़े की मदद से मैं इसको पलटूंगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये केमिकल होता है, ये जो ये कास्टिक सोडा है, तो इससे आपके हाथों को नुकसान हो सकता है। तो अब देखते हैं 30 मिनट बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी गंदगी ऊपर इसमें आ गई है। और अब मैं, ये देखिए, मैंने हाथों में पॉलिथीन पहनी है। और अब ये फिल्टर को मैं दूसरी तरफ पलट दूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी, खौलता हुआ पानी और डाल दूँगी, क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा हो गया है। बहुत ही सावधानी से करना है ये। थोड़ा सा इसमें मैं पानी और डालूँगी खौलता हुआ, ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है वो सब ऊपर आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें पूरी गंदगी ये ऊपर आ गई है और इसका पानी भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब ये मैं फ़िल्टर निकाल के और इनको स्क्रब या जो लोहे का बर्तन भाजने वाला होता है उससे मैं हल्का सा रगड़ के इसको साफ़ कर दूँगी। और मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब जो ये चिमनी की जो गंदगी है, ये मैं इस पर इस तरीके से एक टूथब्रश की हेल्प से, और कास्टिक सोडा को मैं एक बाउल में मैंने घोल लिया है, और इस तरीके से मैं पूरे में लगाऊंगी। ये देखिए, जितनी भी ये ऑयल है ये सब धीरे धीरे छूट जाएगा। इसके चारों तरफ कोनों में, और ये बटन्स के पास, ये बटन भी इसके, ये बटन भी बहुत गंदे हो गए हैं। तो
तो ये यहाँ पे भी मैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ़िल्टर है मेरे कितने ज़्यादा साफ़ हो गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो गए थे, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अगर आप 15-15 दिन पे साफ़ करेंगे तो इससे कास्टिक सोडा से बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है। मैंने थोड़ा सा इसमें स्कॉच ब्राइट और वो डिटर्जेंट लगा के इसको थोड़ा साफ़ किया है, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हल्का सा एक बार स्कॉच ब्राइट मारने पे आपके ये फ़िल्टर पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और अब मैं इनको अपने चिमनी में लगाती हूँ। ये देखिए, ये अब मैं ये इस पर और ये बाहर के भी इसके बटन्स और ये चिमनी पूरी तरीके से मेरी साफ़ हो चुकी है। ये देखिए, जितना भी ऑयल था चिमनी का ये सब निकल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी चिमनी पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है और कहीं भी इसमें अब ऑयल नहीं है, जबकि मेरी चिमनी बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो गई थी क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद साफ़ करी थी, इसलिए बहुत इसमें टाइम लगा। लेकिन अगर आप 15 दिन पे या 1 महीने पे करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा और कास्टिक सोडा से बहुत ही आसानी से चिमनी साफ़ हो जाती है। अगर आप चिमनी साफ़ करने के लिए दुकान से भी अगर आप बुलाएंगे जो इसके चिमनी के कारीगर होते हैं, तो वो लोग भी इसी ये कास्टिक सोडा से ही साफ़ करते हैं, तो आप घर पे बहुत आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये चिमनी साफ़ करने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।